हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का जो मॉडिफिकेशन का वीडियो होने वाला है वो NS200 के ऊपर रहने वाला है। तो मेरी NS200 के ऊपर नहीं करने वाले गाइस, क्योंकि मेरा जो NS200 है आगे कम्प्लीटली वो ड्यूक 250 बन चुका है, तो उसमें ये वाला मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आज का वीडियो काफी शॉर्ट रहने वाला है और एकदम सिंपल रहने वाला है। ऐसा नहीं कि ये NS200 में ही होगा गाइस, हर एक मोटरसाइकिल में आप ये कर सकते हो अगर उसमें पार्किंग बल्ब्स रहेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे फ्रेंड की NS200 है। तो गाइस ये है 2017 मॉडल, इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए हुए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने एक कंप्लीट LED सेटअप लगाया हुआ है। अंदर नीचे के जो दोनों पार्किंग बल्ब है दोनों हम लोग ने चेंज किए हुए, एक बार LED आप चेक कर सकते हो। इसमें नोर साइड के LED लगाए, पार्किंग बल्ब जो है हम लोग ने रेड कलर लगाया ताकि ये जो लाइट है हमारे जो पूरा पेंट स्कीम है उसके साथ मैच करे। बट गाइस ये लाइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये काफी डिम हो जाता है और अगर हम लोग को इसका कलर चेंज करना रहेगा तो हम लोग इसमें कलर भी चेंज नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले बल्ब हम लोग ने इंस्टॉल किए, ऐसे कुछ LED बल्ब है, साइड में LED है और आगे ऐसे प्रोजेक्टर वाले थोड़े, तो भी इसका लाइट थ्रो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ का मैंने LED बल्ब आपको निकाल के दिखाया। आज हम लोग एक ऐसा LED बल्ब लगाने वाले जिसके वजह से हम लोग कलर भी चेंज कर पाएंगे, उसके इफेक्ट्स भी चेंज कर पाएंगे और बहुत सारे उसमें कस्टमाइजेशंस भी रहेंगे। तो ये वाले बल्ब जो है मैंने Amazon से मंगाए। तो गाइस इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके इसको इजीली बाय कर सकते हो। तो नॉर्मल सा कोई पैकेज है, यहाँ पे आपको दो पार्किंग लाइट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एक कंप्लीट रिमोट मिल जाता है जिससे आप दोनों पार्किंग जो बल्ब है उसको आप दोनों कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ हम लोग के पास रिमोट है, ये सेम रिमोट है जो मतलब हर एक ऐसे RGBW जो लाइट्स रहते हैं उसके साथ मिलते हैं। वैसे कुछ बल्ब है हमारे, बल्ब में आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को 3 LED मिल जाते हैं और सेम पीछे 3 LED मिल जाते हैं और अंदर कुछ थोड़ा सा वायरिंग का सिस्टम है और पीछे जो एक सॉकेट मिल जाए जो हर एक मोटरसाइकिल में सेम रहे। पल्सर 150 ले लो या फिर एक्टिवा ले लो, या एक्टिवा में भी हम लोग इंस्टॉल कर पाएंगे बट एक ही इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग का पुराना जो LED है वो मैं एक बार आपको लाइट अप करके दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये। तो जैसे हम लोग इसको सॉकेट में लगा देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का एक LED बंद हो गया है और साइड के भी गाइस एक LED बंद हो चुकी है। उसके बाद गाइस ये वाला LED पार्किंग बल्ब हम लोग लगा के दिखा देते हैं आपको। तो अभी मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस आपको काफ़ी फर्क दिखेगा इसके लाइट थ्रो में और उसके लाइट थ्रो में काफ़ी फर्क है गाइस, क्योंकि इसका जो LEDs है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और हम लोग कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेड हो गया, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन हो गया, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का हो गया और हम लोग इसको व्हाइट कलर भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप हेड के नीचे देखोगे तो पीछे एक वायरिंग का कनेक्शन आपको मिल जाता है जहाँ से हम लोग ईजिली इसको पुल आउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो ये जो पुराना लाइट है हम लोग का ये निकल चुका है, तो अभी हम लोग इसको डायरेक्टली निकाल देते हैं। ये बल्ब में मेरे को एक बात अच्छा लगा कि इसमें आप देख सकते हो कम्प्लीटली वाटर प्रूफिंग एक का एक केसिंग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों पिन से इसको दोनों को हम लोग को सिर्फ अलाइन करना है। जैसे गाइस आपने निकाला था सेम आपको वैसे ही अच्छी तरीके से अंदर डाल देना है और एकदम से फिट कर देना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो गया और ये वायर को आपको ऊपर डाल देना है, दैट्स इट। आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर फिटिंग हो गया और काफ़ी कम टाइम में हम लोग ने इसको इंस्टॉल कर दिया, काफ़ी इजीली इंस्टॉल हो जाता है। कोई कोई और पल्सर आते हैं जैसे कि 150 हो गया, उसमें यहाँ पे एक लाइट रहता है और यहाँ पे एक लाइट रहता है, तो उसके लिए आपको शायद हेड खोलना पड़ेगा। मैं भी ये दोनों लाइट्स इंस्टॉल हो जाएंगे, ऐसे कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस अगर आप इसको दूर से ऑन करोगे तो दोनों लाइट चालू हो जाएंगे, अगर आप एक लाइट के नज़दीक लेके जाके ऑन करते तो एक ही लाइट ऑन होते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग ने ऑन दबाया और ये दोनों लाइट चालू हो गए। अभी मैं एक ही लाइट बंद करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वाला बल्ब जो है बंद हो गया और अभी ये बल्ब बंद करता हूँ मैं, तो ये भी बंद हो गया। तो ऐसे आप थोड़े बहुत सेटिंग कर सकते हो। और अगर आप ऐसे देखने जाओगे गाइस तो पुराने बल्ब से ये काफ़ी बेटर बल्ब है और इसके ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दिन के टाइम हम लोग देख तो पा रहे। अभी आपको अगर स्ट्रोबिंग चाहिए रहेगा तो रेड में और एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ तो स्ट्रोबिंग आ गया, अभी मेरे को इसमें ब्लू में स्ट्रोबिंग चाहिए। तो अभी कम्प्लीटली पुलिस वाले लाइट्स हो गए। तो गाइज अभी हम लोग क्या करते हैं, दिन के टाइम पे इतना अच्छी तरीके से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, रात के टाइम इसका हम लोग लाइट थ्रो चेकआउट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये लाइट यहाँ तक भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब शायद नीचे तक भी रिफ्लेक्ट होंगे, वो हम लोग रात के टाइम में एक बार चेक करते हैं। डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं रात के टाइम में। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं नाइट टाइम में इसका लाइट का जो इंटेंसिटी है वो चेक करने के लिए। अभी जस्ट मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो दोनों लाइट मैंने स्टार्ट कर दिया है, फिर ये ब्लू कलर, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर और कलर का जो इंटेंसिटी है ना गाइस काफी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है। तो गाइस इसमें और एक फीचर देखोगे तो ये फ्लैश वाला लगाया मैंने इसमें। इसमें अलग अलग कलर्स फ्लैश होते रहते हैं बट ये वाला फीचर हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करने वाले। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रोबिंग का, तो अभी आप देख सकते हो गाइस इधर रेड कलर फ्लैश हो रहा है और इधर ब्लू कलर फ्लैश हो रहा है, तो दोनों अलग जगह पे रखा है हम लोग ने। और पीछे से आप एक बार चेकआउट कर लो कि कैसा दिख रहा है। सो गाइज जैसे कि आपने देखा ये लाइट्स के बारे में काफी अच्छा मॉडिफिकेशन है, काफी चीप है। तो गाइज आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू गाइज सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।
shorty drop it for a real one. Yeah.